क्वेश्चन है अ बिल फॉर 1840 हंड्रेड फोर्टी इज पेड इन द डोमिनेशन ऑफ फिफ्टी ट्वेंटी एंड टेन सो हमारा बिल है एट्टी फोर्टी का और हमारे पास डिनोमिनेशन दैट मीन नोट्स अवेलेबल है फिफ्टी ट्वेंटी एंड टेन ये तीन नोट्स अवेलेबल है हमारे पास एंड फिफ्टी नोट्स इन ऑल आर यूज मतलब मैक्स टू मैक्स हम पचास नोट यूज़ कर सकते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं ट्वेंटी फाइव नोट्स ऑफ फिफ्टी आर यूज सो पच्चीस नोट हमारा पचास का यूज़ हो गया सो so, ये हमारा सम बारह सौ पचास हो गया नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ ट्वेंटी एंड टेन एंड जितना रिमेनिंग बचा है मतलब पच्चीस नोट यूज कर चुके हैं मतलब रिमेनिंग हमारे पास पच्चीस नोट बचा है उसे बीस या दस का डिनोमिनेशन में यूज़ कर सकते हैं सो सपोज़ हम लोग मैक्स टू मैक्स ट्वेंटी यूज़ करते हैं तो इसका सम हमारा पाँच सौ हो जाएगा और पहले 1250 और 500 ये दोनों सब मिला के सत्रह होता है जो कि कभी 1840 नहीं हो पाएगा मतलब पहला पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता अब आते हैं दूसरा पॉसिबिलिटी पे सेकेंड लिखा है 35 फाइव नोट्स ऑफ ट्वेंटी ये भी देख लेते हैं कि 35 फाइव नोट्स ऑफ ट्वेंटी इसका सम हमारा हो जाता है सात हम थर्टी फाइव नोट्स यूज़ कर चुके हैं मतलब हमारे पास पचास टोटल है मतलब पंद्रह नोट और यूज़ कर सकते हैं डिनोमिनेशन अवेलेबल देखेंगे क्या है द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ फिफ्टी एंड टेन मतलब पचास और दस का नोट ही यूज़ कर सकते हैं सपोज इसमें भी हम मैक्सिमम लेते हैं पचास का नोट यूज़ करेंगे तो पंद्रह इन पचास दैट मीन्स सात सौ पचास इन दोनों का सम हमारा हो जाएगा चौदह सौ पचास अभी भी ये हमारा अठारह सौ चालीस नहीं हुआ तो सेकेंड भी गलत है थर्ड आते हैं ट्वेंटी नोट्स ऑफ टेन आर यूज so, सो ट्वेंटी नोट्स ऑफ टेन दैट मीन्स टू हंड्रेड रुपीज़ हमारा हो चुका है और हम लोग बीस नोट यूज़ कर चुके हैं तो अब हमारा बचा है तीस नोट बचा हुआ है नेक्स्ट बोला है रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ पचास और बीस का नोट हम लोग रिमेनिंग यूज़ कर सकते हैं तो इस केस में भी हम मैक्स लेंगे पचास का नोट तो अगर हम पचास का नोट भी यूज़ करते हैं तो पचास इंटू तीस पंद्रह सौ होता है और पंद्रह सौ इंटू प्लस दो सौ सत्रह सौ होता है सो तो ये सॉरी सत्रह सौ ये सत्रह सौ भी अट्ठारह सौ चालीस नहीं बना पाया इसका मतलब है तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्वेश्चन क्या पूछा है विच ऑफ द अब स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट इसका मतलब है तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा डी वन टू थ्री यूपीएससी 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप जाके वो वीडियो देख लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए